देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किए हैं, मगर कोई सेंटर पर फ्री वैक्सीन जो आदमी लेने जा रहा है तो बहुत कठिन से मिल रहा है। आपूर्ति की संख्या में मतलब कि पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है, अनाज फ्री में नहीं दे रहे। मेरा भी डियर में घर है, हम भी गए थे तो वहाँ पर पैसा लेकर अनाज मिला है हमको, कोई सहायता नहीं। अनाज हर आदमी तक पहुँचना चाहिए, वादा जब कर रहे हैं तो हर आदमी तक पहुँचना चाहिए। वैक्सीनेशन अच्छी चीज़ है और राशन भी बहुत लोगों को कोरोना काल में नहीं मिल पा रहा है, तो अगर देते हैं तो उनके लिए अच्छी बात है और लोगों के लिए भी अच्छी बात है। डोर टू डोर मिलता है तो और अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो अवेलेबल है नहीं वैक्सीनेशन। जहाँ सेंटर पर जाइए वैक्सीनेशन की कमी बता रही है। तो कहाँ हमको मिल रहा है, घूमे जाते हैं सेंटर के पास तो रिटर्निंग चलाते हैं, मिलवे नहीं करता है, कह रहे हैं कि फ्री में मिलता है, काम अच्छा होता है बाकी मिल नहीं पा रहा है। तो राशन फ्री जा रहा है तो डीलर लोग तो बल्ले कर रहा है चौथा महीना तक, कह रहा है कि आपके मिल लीजिए आपके मिल लीजिए, वो भी राशन नहीं मिलता है। वैक्सीनेशन जो नियम है सर, महामारी के दौर में अगर वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो नुकसान सभी जनता का है, पर सरकार के भी परेशानी है। अगर वैक्सीन सभी को लगाते हैं, लगाइए सभी कोई, अच्छा चीज़ है। फ्री राशन दिया जा रहा है नवंबर तक, फ्री राशन दिया जा रहा है तो जनता जो गरीब जनता है उसके लिए तो बहुत अच्छा की बात है कि नवंबर तक अगर राशन मिलता है तो सभी के लिए बहुत राहत का बात है। और मैं ये सरकार से उम्मीदें करते हैं कि आपको राशन देने से नहीं हो जाएगा, उस गरीब मजदूरों को खाता में 3-4 हज़ार का महीना भी दीजिए, और आप कहते हैं कि 500 का महीना से क्या होगा। है ये तो होना ही है, जब रोग आएगी तो सरकार इलाज करेगी, लेकिन शिक्षा और रोजगार पर विचार होना चाहिए। ये तो हमारे ही पैसे से दिया जा रहा है, लेकिन इसको किसी न किसी रूप से निकाला जाएगा। लेकिन हमारा का मेन कहना है कि बच्चों के लिए सबसे पहले रोज़गार और शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मैं उस रूप में देखता हूँ कि अगर सही इसका इस्तेमाल हो, सही जगह पर जाने से अगर सही काम हो जाता है तो इससे सफल कुछ नहीं है। लोग का जाना और वहाँ से वापस खाली हाथ लौट कर आना बिना वैक्सीन लिए हुए, ये असफल बात है। गरीबों को अगर नवंबर तक राशन दिया जा रहा है तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा मोदी जी का कुछ सहयोग का सोच है। इसके बारे में यही कहना है कि अगर ऐलान किया गया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मिल रहा है तो सब गरीबों को मिलना चाहिए, ये नहीं कि काला बाजारी उसमें होना चाहिए, काला बाजारी पर भी रोक लगाया जाए। ये बढ़िया है, कल तो मोदी अनाउंसमेंट कर ही देने हैं तो हम अच्छी बात है। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, दिवाली तक लंबा टाइम दे देने हैं गरीबों को। भाई जो बहुत भूखा सोता था अब भूखा नहीं सोएगा, अब सब खाएगा। हम सब बहुत अच्छी काम किए हैं, ये तो मोदी की हम लोग सराहना करते हैं। काम सराहनीय है, मगर सेंटर पर जाने पर सुई नहीं मिल रहा, इस पर क्या दिया जाए। डीलर के पास आप जाइए तो वहाँ पर राशन मिलता नहीं है, खाली कर देता, बोलता ख़त्म हो गया, एक महीना के रहता है, वो लोग 4 महीना तक गायबे रहता है। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज़ है हम।